गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्राइंग की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये आप देख रहे हो, मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग दिखाया। तो आज की हमारी ड्राइंग का नाम है नेचर सीन। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, उसमें मैंने टू टाइप के कलर फिलअप किए हैं, एक पेंसिल कलर, सेकंड स्केच पेन। सबसे पहले हम पेंसिल कलर से कलर फिलअप करेंगे, फिर स्केच पेन से उस कलर के ऊपर डॉट करेंगे। हम इसके स्ट्रिपलिंग भी कहते हैं। ये नई टेक्निक है, नई मेथड है कलर फिलअप करने की। तो होप सो आप सबको इस क्लास में मजा आएगा। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये नई टेक्निक सीखते हैं। स्केल और ये मेरी मार्कर, तो मैं यहाँ पे चारों ओर से आउटलाइन बना देता हूँ। यहाँ पे मैं पेंसिल यूज नहीं करूंगा, अगर पेंसिल यूज करूंगा तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ओके, ओके, नाउ मैं यहाँ पे पहले नेचर सीन ड्रॉ करूंगा। ओके, ये फर्स्ट कर्व, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइन। नाउ ये सिक्स। अब यहां पे मैं एक हाउस बनाऊंगा, तो हम स्केल भी यूज कर सकते हैं और अपने हाथों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हो मैंने स्केल से हाउस बना दिया। अब यहाँ पे मैं विंडो बनाऊंगा। सी दिस, यहाँ पे विंडो भी बना दी। अब यहाँ पे मैं डोर बनाता। नाउ यहाँ पे मैं पीछे रिवर बनाऊंगा इतनी तक, और यहाँ पे ट्री ड्रॉ करूंगा इस तरह से। तो यहां पे मैंने ट्री ड्रॉ कर दी। अब मैं पीछे यहां पे माउंटेन ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे मैंने माउंटेन की लाइन ड्रॉ की है। सीरीज नाउ पीछे में यहां पे सन के लिए फेविकोल की बॉटल लेके हाफ सर्कल बनाऊंगा। ओके, अब सूरज की किरणों के लिए मैं स्केल से लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से।
देख सकते हो क्लॉकवाइज आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल से करोगे तो अच्छी दिखेगी। फाइन। नाउ अब मैं यहां पे दो टाइप के कलर यूज करूंगा, एक पेंसिल कलर यूज करूंगा और उसके ऊपर स्केच पेन यूज करूंगा। पेंसिल कलर से मैं यहाँ पे कलर फिलअप करूंगा और स्केच पेन से उसके ऊपर डॉट डॉट करूंगा। ओके उसे हम स्ट्रिपलिंग भी कहते हैं। ओके ये नई टेक्निक है तो आपको देखने में मजा आएगा। ओके पेंसिल कलर से हम जो भी कलर फिलअप करेंगे ना तो लाइट कलर होंगे, जिस तरह से लाइट येलो, लाइट ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। ओके हमें जिस जगह पे ये सब कलर फिलअप करने हैं वहां पहले हम फिलअप कर देंगे। तो लाइन में मैं येलो कलर से पहले कलर फिलअप लेता हूँ लाइटली। देखो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो। ओके इस तरह से तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और इस तरह से मैं लाइट कलर फिलअप कर रहा हूँ। ओके इस तरह से सभी में तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा में येलो कलर फिलअप किया। अब मैं लाइट ब्लू कलर लेके यहाँ पे पीछे दीवार है ना वहां पे कलर फिलअप करूंगा। ओके तो दीवार में कलर फिलअप कर रहा हूं तो देख सकते हो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कलर फिलअप कर रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है। अब मैं लाइट ग्रीन लूंगा और ये ट्री में कलर फिलअप करूंगा। इस तरह से नाउ अब मैं रेड कलर लूंगा और हाउस के ऊपर इस तरह से कलर फिलअप करूंगा। ओके नाउ उसके नीचे ऑरेंज कलर। और साइड में येलो कलर। ओके नाउ ब्राउन कलर इसके टूर के अंदर और ट्री में भी। इस तरह से हम कलर फिलअप करेंगे सभी में। नाउ ब्राउन कलर हम पीछे माउंटेन में भी यूज कर सकते हैं। ओके और ये ऑरेंज कलर सन में। अब जो किरणें हमने बनाई है ना उसमें भी हम यहां से ऑरेंज करेंगे, देख सकते हो इस तरह से। तो देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर फिलअप किया है। अब मैं येलो कलर लूंगा, अब इसके यहाँ पे साइड पे कलर फिलअप करूंगा इस तरह से। यानी कि हमने टू कलर मिक्स किए हुए हैं इस तरह से। ओके
दिस टाइप, ओके, ऑरेंज और येलो। फाइन, नाउ ये स्काई ब्लू कलर यहां पे हम फिलअप करेंगे, ओके, इस तरह से लाइट लाइट लाइट, फिर यहां पे भी, गुड। तो देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे पेंसिल कलर से सब में यहाँ पे कलर फिलअप कर दिया, ओके। अभी हमारा ड्राइंग फिनिश नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पेंसिल से कलर फिलअप किया है। अब हम यहाँ पे स्केच पेन यूज करेंगे, और जो मैंने फर्स्ट सीखा है ना आपने, जो स्ट्रिपलिंग, ओके, डॉट 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 डॉट, ओके, तो सारे में यहाँ पे से डॉट करेंगे हम, यहाँ पे येलो और ऑरेंज और ब्राउन, तीन कलर के डॉट बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ब्राउन कलर, ओके। तो इस तरह से आपको डॉट 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 करना है, ओके, इस तरह से आपका डॉट बनाने है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर से डॉट बनाया। अब मैं ऑरेंज कलर यूज करूंगा और उसके ऊपर इस तरह से डॉट बनाऊंगा, ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करना है हमें डॉट करते हुए, ओके। इसलिए हम नजदीक नजदीक इस तरह से डॉट बनाएंगे, ओके, सी दिस, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से अपना टाइम लेके, जब तक हमें अच्छा ना दिखे तब तक इस तरह से डॉट करने है। इसी तरह हमें यहाँ 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 और यहाँ पे सब में इस तरह से फॉलो करना है। नाउ मैं यहाँ पे येलो कलर नहीं ले वाला हूँ, देखो यहाँ येलो, इस तरह से मैं डॉट बनाऊंगा, तो अब मैं फटाफट यहाँ पे सभी में इस तरह से कलर फिलअप करता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे येलो कलर से सभी में यहाँ पे इस तरह से डॉट बना दिए, ओके। नाउ मैं यहाँ पे फिर से ऑरेंज कलर लूंगा और इस तरह से डॉट बनाऊंगा। ये एक टेक्निक है कलर फिलअप करने की, इसे हम डॉट पद्धति भी कहते हैं, ओके। पहले एक कलर फिलअप कर लो कोई एक लाइट वाला, फिर इस तरह से डॉट से कलर मिक्सअप करो। ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो जितने ज्यादा डॉट बनाओगे आप यहां ड्राइंग में, उतने ही आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा, सी दिस, ओके। नाउ लास्ट वाला ब्राउन कलर यूज करेंगे हम, ओके, इसको भी मैं फटाफट यहाँ पे फिनिश कर रहा हूं, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने ये फिनिश कर दिया है, ओके। नाउ मैं थोड़ा टचअप कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये देखने में भी और अच्छा दिखेगा आपको, इससे हम कहते हैं डॉट पद्धति स्ट्रिपलिंग, ओके। इसी तरह से हम यहाँ पे हाउस में भी फॉलो करेंगे, रिवर में, ट्री में, ओके, इसी तरह से,
नाउ हाउस में हम रेड ऑरेंज ओके और ये मैजेंटा यूज करेंगे। अब हाउस में देख सकते हो मैंने यहाँ पे येलो ऑरेंज और रेड कलर को मिक्स किया हुआ है ओके नाउ ये मैजेंटा कलर मैं यूज करूंगा इसके छत पे। इस तरह से आपको डॉट डॉट करते हुए पूरी ड्राइंग फिनिश करनी है। यहां पे विंडो पे मैंने स्काई ब्लू कलर यूज किया हुआ है ओके नाउ पीछे जो रिवर है ना वहां पे भी मैं इस तरह से स्काई ब्लू कलर यूज करूंगा और उसके नीचे डार्क ब्लू कलर यूज करूंगा ओके यहां पे भी हम मिक्स करेंगे स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर। देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू और डार्क ब्लू की डॉट डॉट यानी कि स्ट्रिपलिंग की है ओके इस तरह हम दो कलर मिक्स कर सकते हैं। जितने ज्यादा डॉट उतना ही हमारा ड्राइंग अच्छा दिखेगा। नाउ अब हम यहाँ पे ट्री में टू कलर यूज करेंगे ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो देख सकते हो आप मैंने यहाँ पे येलो लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर से मिक्सअप किया है। नाउ ऐसे ही हम यहाँ पीछे माउंटेन में टू कलर यूज करेंगे ब्राउन और ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑरेंज से। नाउ ब्राउन कलर से डॉट बनाएंगे हम। नाउ अब हम यहाँ स्काई में लाइट ब्लू और डार्क ब्लू फिलअप करेंगे और फिर येलो और ऑरेंज यूज करेंगे। तो यहाँ पे सन में मैं ऑरेंज और रेड का सब कर रहा हूं। तो मैंने ऑरेंज कलर से डॉट बना दिए। अब मैं यहाँ पे येलो कलर यूज करके डॉट बना रहा हूं। देख सकते हो कि मेरा ऑलमोस्ट ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सअप फिनिश हो गया। और इसी तरह हम स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कलर फिलअप करेंगे। देख सकते हो कि मैंने डार्क ब्लू से ऑलमोस्ट डॉट बना लिए हैं। अब यहाँ पे मैं लाइट ब्लू से डॉट बनाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पूरे ड्राइंग में पहले पेंसिल कलर यूज किया है फिर डॉट डॉट करके स्केच पेन कलर यूज किया है ओके। तो आपको ये ड्राइंग जरूर पसंद आई होगी ओके। लास्ट में हम ये पूरी ड्राइंग में फ्लैक्स स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। तो देख सकते हो आप तो आप देख सकते हो कि मैंने ब्लैक स्केच पेन से यहाँ पे बॉर्डर लाइन बना दी है। ये लास्ट है ओके सी दिस। अब इससे हमारी ड्राइंग और भी अच्छी दिखेगी। तो होप सो कि आपको ये ड्राइंग आज की पसंद आई होगी ओके। और नई नई ड्राइंग सीखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।
और आपको मैं इस तरह से ऐसी ही आपकी और नई नई ड्राइंग आपको यहाँ पे सिखाता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।